ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जीवन धारा। कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को मैं स्मिता और मैं अमित, हमारा प्यार भरा नमस्कार। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा में हम आपका स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आइए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज होगी पहले स्वास्थ्य चर्चा, इसके बाद एक गीत होगा और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र बाइबल का संदेश। तो चलिए स्वास्थ्य चर्चा सुनने से पहले सुनते हैं ये गीत। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, हमें राहों में अपनी चलाना। हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, उन्हें शैतान को छूने न देना। किनारा धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। कामकाजी, शायद ही कभी उसका रूटीन बदलता है। हाँ, थोड़ा बदलाव तब आता है जब घर में मेहमान आते हैं या फिर
सब बाहर खाना खाने, पिकनिक या फिल्म देखने जाते हैं। यह समय सीमा बहुत कम होती है और आपको वापस अपने रूटीन पर जाने का टेंशन सताता है। जब आप साल के 365 दिन इसी तरह की लाइफस्टाइल बिताती हैं, तो जीवन उबाऊ हो लगता है, इसलिए जरूरी है कि कुछ दिन के लिए कहीं घूम आए। मानसिक ताजगी के लिए, लंबे समय तक तनाव रहित रहने के लिए जरूरी है कि आप साल में एक या दो बार कहीं लंबी छुट्टियों पर अवश्य जाएं। इसका फायदा आपको लंबे समय तक मिलता है। छुट्टियों से लौटकर नई स्फूर्ति के साथ काम करके आप एक अच्छी बहू और एक अच्छी पत्नी की ख्याति प्राप्त कर सकती हैं और पूरे परिवार का दिल जीत सकती हैं। कोशिश कीजिए कि इस छुट्टियों के दौरान मुख्य उद्देश्य आनंद उठाना, मानसिक शांति तथा आराम करना ही हो। इस दौरान फिजूल की बातों को सोचकर तनाव में ना रहें। हाँ, आप जहां जा रहे हैं वहां के आसपास भी 3-4 जगहों पर प्राकृतिक नजारा देखने अवश्य जाएं। काम करके आप मानसिक तौर पर थक जाते हैं, ऐसे में ये छुट्टियां आप में मानसिक ताजगी जगाती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग कम उम्र में बहुत तरक्की हासिल कर लेते हैं, वो जल्दी ही थक भी जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने सफलता हासिल करने की दौड़ में रुककर छुट्टियों का आनंद जाते हैं, तो आपके विचारों का भी आपके पूरे शरीर तथा मन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जब आप सकारात्मक सोच लेकर जाएंगे, तो वापस आकर आप अपनी समस्याओं को नए सिरे से सुलझाने की भी सोच रखेंगे। आप मायूस होते हैं तो छुट्टियां या बिताई हुई छुट्टियों के फोटोग्राफ्स निकाल कर देखिए। आप अपने उन क्षणों का फिर से अनुभव करेंगी, अतः अपने जीवन का मूल्यांकन कीजिए और जीवन को नई ऊर्जा देने के लिए चुनिए कोई ऐसी जगह जो दे आपको पूरी या पूर्ण रूप से शांति और खुशी। परमेश्वर आपको हमेशा खुश ही रखे। आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। यदि आप पत्राचार द्वारा यीशु के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर या फिर स्वास्थ्य विषय पर अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है वॉइस ऑफ प्रोफेसी, 11 हेली रोड, नई दिल्ली 110001, इंडिया। तो आइए पवित्र बाइबल से आत्मिक संदेश सुनने से पहले और एक गीत सुनते हैं। मैं गीत गाऊं तेरे, मेरे गीतों को सुर देना, मैं रचना बनाऊं तेरी, मेरी रचना को रंग देना। मैं गीत गाऊं तेरे, मेरे गीतों रचना को रंग देना। मेरे खुदा
रचना को रंग देना। मंजिल से मैं आज भी दूर हूँ, राह की थकन से मैं चूर हूँ। मंजिल से मैं आज भी दूर हूँ, राह की थकन से मैं चूर हूँ। तू ना खुदा आके बचा, रचना को रंग देना, मेरी रचना को रंग देना, मेरी रचना को रंग देना। प्रिय रेडियो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। मित्रों, बाइबल हमसे कहती है कि परमेश्वर प्रेम में है, वो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। आदम और हवा की तुलना उसने बच्चों से की है। शैतान जो है उन दोनों को बहकाया। बुद्धिमानी से परमेश्वर ने शैतान आदम और हवा को तुरंत नाश नहीं किया, बल्कि इन कुकर्मियों को कुछ समय के लिए जीते रहने की अनुमति दी। इससे हमारे प्रथम
माता पिता को मानव परिवार शुरू करने का अवसर दिया और इब्लीस यानी शैतान को यह साबित करने का मौका दिया है कि उसका दावा सही था या नहीं, ताकि वाद विषय निपटाए जा सके। लेकिन शुरुआत से ही परमेश्वर जानता था कि कुछ मनुष्य उसके प्रति निष्ठा रखेंगे और इस प्रकार शैतान को झूठा साबित करेंगे। हम कितने कृतज्ञ हैं कि परमेश्वर ने उन लोगों को आशीष और मदद देना जारी रखा जो उससे प्रेम रखते हैं। पहला दूसरा इतिहास 16:9, नीति वचन 15:3। क्या साबित हुआ? मेरे दोस्तों, लगभग सारे मानव इतिहास के दौरान शैतान के पास मानव जाति पर प्रभुता करने की अपनी युक्तियां चलाने की पूरी छूट रही है। अन्य बातों के साथ साथ उसने राजनैतिक शक्तियों पर प्रभाव बढ़ावा दिया है जो उपासना को परमेश्वर की ओर निर्दिष्ट करने के बजाय चलाकी से उसकी ओर निर्दिष्ट करते हैं। अतः शैतान इस संसार का ईश्वर बन गया है और उसे इस जगत का सरदार कहा गया है। दूसरा कुरिन्थियों 4:4, सचमुच सारा संसार उस दुष्ट यानी शैतान के वश में पड़ा है। पहला यूहन्ना 5:19, क्या इसका ये अर्थ है कि शैतान ने अपना दावा साबित कर दिया है कि पूरी मानव जाति को परमेश्वर से दूर कर सकता है? निश्चित ही नहीं, जबकि परमेश्वर ने शैतान को अस्तित्व में रहने की अनुमति दी है, साथ ही साथ उसने अपने उद्देश्य की बाइबल परमेश्वर द्वारा दुष्टता की अनुमति के संबंध में क्या प्रकट करती है? दुष्टता और दुख परमेश्वर की ओर से नहीं आते, क्योंकि शैतान इस संसार का शासक है और इस रीति व्यवस्था का ईश्वर है वो, और उसका समर्थन करने वाले मानव समाज की वर्तमान स्थिति के और मानव जाति ने जितनी मुसीबतें सही हैं उसके जिम्मेदार हैं। कोई भी ये कहने में सही नहीं होगा कि ऐसे कष्ट का कारण परमेश्वर है। रोमियो 5:14, परमेश्वर द्वारा दुष्टता और दुख की अनुमति ने यह साबित कर दिया है कि परमेश्वर से स्वतंत्रता ये अभी वाद है कि इतिहास एक के बाद एक संकट द्वारा चिन्हित रहा है। इसका कारण यह है कि मनुष्यों ने अपने स्वतंत्र मार्ग पर चलने का चुनाव किया और परमेश्वर के वचन एवं इच्छा के लिए कोई सच्चा सम्मान नहीं दिखाया है। जब परमेश्वर के प्राचीन लोग और उनके अगवे अविश्वासी होकर अपने अपने मार्ग पर चले और उसके वचन को ठुकराया तो परिणाम अनर्थकारी थे। अपने भविष्यवक्ता यर्मा के द्वारा मनुष्य लज्जित कर दिए गए, वे हताश हो गए, पकड़े हुए हैं। देखो, उन्होंने परमेश्वर के वचन को त्याग दिया है और उनमें कैसी बुद्धि है? यर्मा की किताब 8:5, परमेश्वर के स्तरों पर चलने में असफल होने के कारण
समान रूप से मानव जाति एक अशांत सागर में हिचकोले खाती हुई बिना पतवार की नैया के समान हो गई है। हाँ मेरे दोस्तों, आज हम देखते हैं कि दुनिया एक खोई हुई दुनिया है। परमेश्वर द्वारा दुष्टता और दुख की अनुमति ने यह भी साबित किया है कि शैतान पूरी मानव जाति को परमेश्वर से दूर करने में समर्थ नहीं हुआ है। इतिहास दिखाता है कि हमेशा ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो परमेश्वर के प्रति वफादार रहे हैं, चाहे उन पर कैसी भी परीक्षाएं या विपत्तियां क्यों न लाई हो, लेकिन वे परमेश्वर के साथ खड़े हैं। क्या आप आज परमेश्वर के साथ खड़े हैं अपने गुनाहों को लेकर, कमजोरियों को लेकर, कि आप परमेश्वर से दूर हैं? तो आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आज तेरे पास आते हैं प्रभु, अपने सारे गुनाहों को लेकर। हमारे साथ हो, हमारे कमजोरियों को खुदावंद दूर कर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9689231702, 9689231702। मेरे ईमेल आईडी है morris@gmail.com, morris राह की थकन से मैं चूर हूँ, तू ना खुदा आके बचा। डूब रहा है सफीना, मैं गीत गाऊं तेरे, मेरे गीतों को सुर देना, मैं रचना बना रचना को रंग देना। मेरे खुदा, मेरे यीशु, ओ मेरे परमात्मा, ओ मेरे परमात्मा। मैं मेरे गीतों को सुर बनाऊं तेरी,
कमर में हंसी है मेरी, तूफान का भी डर है मुझे, कश्ती भंवर में हंसी है मेरी, तूफान का भी डर है मुझे, आकर बचा श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें अवश्य लिखिए, हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। पता एक बार फिर नोट कर ले, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। और अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इसी मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए मैं स्मिता और मैं अमित, हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।